Hello and welcome everyone to our channel Z2Y Tutorials. For those who are new, I am Salman Ahmed and I did my M.Tech from IIT Dhanbad and I have more than 6 years of experience. Let us start our today's lecture, that is third lecture of real numbers of class 10th. Last class में हमने देखा था Euclid's division lemma के applications को. हमने 5 types के questions को solve किया था, different questions. आज भी हम और भी कुछ question देखेंगे जो last class के question से थोड़ा different होगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m. अब देखो लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था स्क्वायर पे और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे उसका क्यूब करने पर कैसा फॉर्म आना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये जो पार्ट होता है वो असल में होता है डिवाइजर. तो यहाँ पर 9 है, स्टार्ट वैसे करेंगे जैसे हम लोग करते हैं. क्या पहले एज्यूम करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. डिवाइजर तो हमारा 9 हो गया. व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज m. m इज क्वेश्चन. व्हाट इज रिमाइंडर, लेट्स से रिमाइंडर इज r एंड r इज रिमाइंडर. सो अब ये बात है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है. यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज डिविडेंड, जो कि हमारा ए है, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. बी इज डिवाइजर, यहां पर डिवाइजर क्या है, 9. सो 9 इंटू क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, दैट इज एम. व्हाट इज रिमाइंडर, लेट्स से रिमाइंडर इज आर. ठीक है, तो a इज इक्वल टू 9m प्लस r हमने एज्यूम कर लिया. ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पर है कि अगर हम इसको m लेकर चलेंगे तो हमारा m वहां पर नहीं आएगा. तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को q ले लेते हैं. क्यों, जैसे लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था कि स्क्वायर वाले केस में कि हमने क्वेश्चन में क्यू ले लिया था और लास्ट में जो भी टर्म बच रहा था उस पूरे टर्म को हम लोग एम एज्यूम कर लेते, हमारा प्रूफ हो जा रहा था. एक तो काम करते हैं यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन को क्यू एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारा लास्ट में वो ईजी हो जाए. तो ये हमारा फॉर्म बन गया ए इज इक्वल टू 9q प्लस आर. कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, दैट इज 9. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 9 का मतलब हो गया कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू 8. इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 by 1 9 केस को चेक करना पड़ेगा जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा. उससे बेटर है कि हम लोग कुछ ट्राई करते हैं ट्रिकी. जैसे ये बताओ, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो ये हम कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा. तो क्यों ना हम जो मेरा हमारा डिवाइजर था उसको 9 को हम लोग 3 अज्यूम कर ले. कोई भी नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द प्लेस ऑफ 9 वी कैन राइट एज 3. तो हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो शॉर्ट हो गया. अब क्या हो गया, रिमाइंडर इज लेस देन 3, देन द रिमाइंडर विल बी 0, 1 एंड 2. अब हमारे पास 3 ही केस बनेगा, रिमाइंडर 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए. क्लियर है, तो आंसर 9 से भी एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा जो हमारा आना चाहिए, ये तीनों आएगा और 3 से भी वही आएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं केस नंबर. अच्छा, एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमें क्यूब निकालना था, पहले ही हम क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बार बार हमें क्यूब निकालने का जरूरत ना पड़े. क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए का क्यूब. सो ए क्यूब, अब इधर भी क्यूब होगा, सो 3q प्लस आर द होल क्यूब. ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b ab² यहां पुट करते हैं क्या होगा, 3q
का होल क्यूब प्लस आर द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर इंटू आर प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू आर द होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये कितना आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस दिस वन 3 स्क्वायर 9 9 3 जा 27 देन क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर प्लस 3 इंटू 3 9 क्यू आर स्क्वायर। ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ गया है। इसी को हम लोग आगे अब वन बाय वन केस में हम यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, उसको उठाकर हम अपने इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू, ये वैसे ही रहेगा 27 क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो ये तो हो गया ख़त्म, यहाँ पर रिमाइंडर इनटू में है 0 पुट किया ये भी हो गया ख़त्म, यहाँ पे 0 है तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ 27 क्यू क्यूब बचेगा। अब क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। यहाँ चीज़ गौर करो कि अगर हमने 27 में से 9 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, 3 क्यू क्यूब। क्यू क्या है, क्वेश्चन है, जो कि एक सिंपल सा होल नंबर होता है। अगर हम इसे इस 3 क्यू क्यूब को अगर m एज्यूम कर लें तो क्या आएगा, 9m, जैसा कि हमने स्क्वायर में किया था, तो 9 इंटू m, और यहाँ पर लिख लेंगे व्हाट इज m, m इज 3 क्यू क्यूब। तो पहला केस रिमाइंडर 0 पे मेरा 9m तो मुझे मिल गया, एक फॉर्म मिल गया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे, व्हेन r इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या बनेगा, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस r आ गया 1, r क्यूब हो गया 1 प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर वन है प्लस 9 क्यू। ठीक है, अब इसको ट्राई करेंगे ताकि मेरा वो तीनों में से कोई भी एक फॉर्म मेरा हो जाए। अब क्या करते हैं कि यहां से 9 निकल सकता है, यहां से 9 निकल कॉमन निकल सकता है, और यहां से 9 कॉमन निकल सकता है, एक एक्स्ट्रा टर्म क्या बच रहा है 1, इसको उठाकर उस साइड फेंक दो, क्या होगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब देखो कि इस तीनों फर्स्ट तीनों टर्म से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, 9 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू लास्ट में बचेगा 1। इस पूरे को अगर हमने एज्यूम कर लिया m तो क्या आएगा 9m प्लस 1, जहां पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। हमने पूरे को ले लिया m जो कि इंटीजर वैसे भी आना है, तो 9m प्लस 1 मेरा हो जाएगा। सो यहाँ हमने देख लिया कि हमारा क्यूब का फॉर्म जो था वो क्या आ गया 9m प्लस m, 9m प्लस 1 जो कि मेरा एक और फॉर्म था वो हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा, केस 3, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या 2। अब रिमाइंडर की वैल्यू 2 उठाकर अपने इक्वेशन में हम पुट कर देंगे और देखते हैं क्या आता है, क्या होगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब वैसे रहेगा प्लस आर क्यूब, आर इज इक्वल टू 2, 2 क्यूब कितना होगा 8 प्लस यहां पर आर पुट करेंगे 2 तो 27 इंटू 2 कितना होगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे लास्ट में, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 9 36 क्यू। ये r की वैल्यू 2 पुट करने के बाद मुझे ये इक्वेशन इस तरह से मिल गया। अब क्या करेंगे,
फिर से इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 27 में से 9 कॉमन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 54 से कॉमन आ जाएगा, 36 कॉमन आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, प्रॉब्लम होगा मेरा 8 वाले पार्ट में। अभी सॉल्व कैसे होगा, 8 को उठाकर हम उधर छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 27Q³ + 54Q² + 36Q + 8। इस फर्स्ट 3 टर्म में से 9 कॉमन ले लो, क्या बनेगा, 3Q³ + 6Q² + 4Q, और लास्ट में बच गया 8। इस पूरे को एज्यूम कर लेते हैं m, तो क्या बन जाएगा, 9m + 8। और हम लिख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3Q³ + 6Q² + 4Q। यहाँ हमें क्या मिल गया, थर्ड केस में जब रिमाइंडर की वैल्यू 2 थी तो मेरा जो क्यूब था पॉजिटिव इंटीजर का, वो कौन सा फॉर्म आ गया, 9m + 8। तो अब देखते हैं 1 by 1। केस 1 में क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या आया था, 9m, ट्रू है। केस नंबर 2, आर इक्वल टू 1 केस में क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या आई, 9m + 1, सेकेंड केस। थर्ड केस में जब निकाला हमने क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा 9m + 8, वो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हमें ये मालूम चल गया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 और 9m + 8, वेयर एन m इज सम इंटीजर है, ठीक है। अब देखो लास्ट चीज, बस कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना है कि हमने 3 क्यों लिया। यहाँ देखो 9 का मतलब क्या है, डिवाइजर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। जब 9 किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 3 भी उस इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। तो हमें मतलब क्या था, हमें मतलब था डिवाइजर से, तो 9 की जगह पर हमने 3 यहाँ पर पुट कर लिया। अगर तुम लोग 9 भी यूज़ करोगे, दैट मीन आर इक्वल टू 0, 1, 2 से लेकर 8 तक, तब भी मेरा आंसर यही आएगा, 8 केस बनेगा, 9 केस बनेगा। 9 केस में यही तीनों बार बार रिपीट करेगा, आएगा यही 3, इसके अलावा और कुछ लाइक 9m + 2, 9m + 3, 9m + 4, ये सब नहीं आएगा, आएगा यही 9m, 9m + 1 और 9m + 8। तो ये क्लियर हो गया, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप लास्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n, n+1 एंड n+2 इज डिविजिबल बाय 3। क्या कह रहा है कि इन तीनों में से n, n+1 और n+2 में से कोई भी एक, तीनों नहीं, इन तीनों में से कोई भी एक 3 से डिविजिबल होगा, वेयर इन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 3 से डिविजिबल तीनों में से कोई एक होगा। ये कैसे निकालेंगे, पहले तो हम बना लेते हैं अपना कि मेरा यूक्लिड डिविजन लेमा इससे बनेगा क्या। लेट्स एज्यूम कि वो इंटीजर क्या होगा। हम लोग इससे पहले एज्यूम कर रहे थे ए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसने कहा कि ये जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब वो डिविजिबल है, दैट मीन्स ये तुम्हारा लगभग बनेगा डिविडेंड टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन को एज्यूम कर लेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर। लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी दे दिया है ना कि ये चीज़ 3 से डिवाइड हो रही है, तो जो डिवाइड होता है वो क्या होता है, डिविडेंड, और वही हम क्या एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस केस में डिवाइजर क्या होगा, जो डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइजर होगा। इस केस में क्वेश्चन को हम क्यू ले लेते हैं और रिमाइंडर को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं आर। सो क्यू इज क्वेश्चन एंड आर इज रिमाइंडर। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या कहेगा, डिविडेंड दैट इज क्या है, n, n इज इक्वल टू डिवाइजर 3, क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर r। ये हमारा बन गया यूक्लिड डिविजन लेमा। रिमाइंडर क्या होगा, सेम चीज, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन डिवाइजर दैट इज 3। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, 1 एंड 2। अब क्या होगा, अब हम 1 by 1
तीनों केस में चेक करेंगे और एक बार समझो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। कह रहा था कि 3 से डिवाइड होगा, हम 1 by 1 चेक करेंगे हर एक केस में। लेट से अगर हमने रिमाइंडर 0 लिया तो उस रिमाइंडर 0 केस में इन तीनों में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल होगा। सेम चीज़ नेक्स्ट रिमाइंडर 1 लगा लेते हैं तो उस केस में भी इन तीनों में से कोई एक ही होगा। मतलब तुम रिमाइंडर कोई भी एक लो, उस रिमाइंडर वाले केस में इन तीनों में से कोई भी एक डिविजिबल होगा 3 से, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो लेट से हम लेते हैं केस नंबर 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 है तो क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू 3q + 0, दैट इज 3q। अब एक यहां एक ध्यान दो कि जो हमारा n था, ध्यान सुनना, n क्या आ रहा है, n आ रहा है 3q। ये 3q किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 × q, प्लस में कुछ है नहीं, 3 × q, दैट मीन्स दिस 3q विल बी डिविजिबल बाय 3। और जब ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब कि n क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इन द केस ऑफ व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0 वी कैन राइट एज इस केस में n इज डिविजिबल बाय 3, जो कि हमारा इस केस में r इक्वल टू 0 में सिर्फ n 3 से डिविजिबल हुआ, ये वाला पार्ट, ये दोनों तो नहीं हुआ। ठीक है, अब यही सेम केस हम लोग चेक करते हैं केस नंबर 2 में क्या होता है। तो केस नंबर 2, व्हेन r इक्वल टू 1, अब क्या बोल रहा है कि जब हमारा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 1 है, ध्यान देना यहां पर, n इज इक्वल टू 3q + 1। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम कि ये वाला पार्ट किससे डिविजिबल होगा। अब यह है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर समझना, n है 3q + 1। ठीक है, हमें क्या करना है, बताना है कि इन तीनों में से कौन सा 3 से डिविजिबल है। तो ये बताओ क्या ये 3 से होगा डिविजिबल, करेगा 3 से, नहीं होगा 3 से डिविजिबल। उसको 3 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर 3 होता, 1 की जगह पर अगर यहां पर 3 होता तो आराम से हम 3 कॉमन निकालते और बोलते कि डिविजिबल है। तो ये 3 कैसे बन सकता है, ये 3 तब बन सकता है जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब यहां 2 ऐड करेंगे तो 2 यहां पर भी ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q + 1, पहले से था इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, क्या बन गया 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन क्या मतलब 3 × q + 1। अब यहाँ ध्यान दो, 3 × q + 1 ये पार्ट 3 से डिविजिबल है, मल्टीपल में है तो 3 से डिविजिबल है, और जब 3 से डिविजिबल है तो कौन डिविजिबल है, n प्लस 2, ना कि n, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3 से डिविजिबल बनाने के लिए। जब बनाया हमने तो मुझे दिखा कि यहां पर भी तो n प्लस 2 हो गया, इसका मतलब when remainder equal to 1, इस केस में n प्लस 2 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो उसमें से हमारा एक केस मिल गया। सो इन दिस केस क्या बोलेंगे हम, n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 3, और कोई है क्या, और कोई हो ही नहीं सकता है, n में 0 नहीं होगा, n में 1 पुट करो 3q + 2 वो भी नहीं होगा, तो n में जब हमने प्लस 2 किया तभी मेरा वो 3 से डिविजिबल हुआ। ठीक है, तो इस केस में भी मुझे एक ही मिला जो 3 से डिविजिबल है। अब चेक करते हैं अपना केस नंबर 3, थर्ड में क्या होगा, व्हेन r इक्वल टू 2, तो क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 3q + 2। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3q + 2 पॉसिबल ही नहीं है, ये तो है 3q, प्लस 2 करो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, ये डिविजिबल तब होगा जब यहां पर 2 ना हो के 3 हो जाए, मतलब 3q + 3, 3 कॉमन लेके हम बोलेंगे डिविजिबल है। तो ये 2 जो है वो 3 कैसे बनेगा, जब इसमें यहां पर हम प्लस 1 करेंगे, जब यहां प्लस 1 होगा तो यहां पर भी प्लस 1 होगा, तो क्या होगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस, जब यहां प्लस 1 किया तो प्लस 1 यहां पर भी होगा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। अब चेक करो 3q + 3, यहां से क्या होगा, यहां से हम 3 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा q + 1। अब देखो ये पार्ट 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये ना ये चीज 3 से डिविजिबल हो जाएगा, और जब ये 3 से डिविजिबल है इसका मतलब जहां से आया था n+1 वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ना कि n,
उसमें हमने वन ऐड किया तब जाकर थ्री से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए एन प्लस वन जो होगा इस केस में डिविजिबल होगा थ्री से। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग एन प्लस वन इज डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जब हमने रिमाइंडर जीरो लिया तो सिर्फ एन डिविजिबल था थ्री से, जब हमने रिमाइंडर वन लिया तो सिर्फ एन प्लस टू मेरा थ्री से डिविजिबल था, जब हमने रिमाइंडर थ्री लिया जब हमने रिमाइंडर टू लिया तब हमारा सिर्फ एन प्लस वन ही थ्री से डिविजिबल है, बाकी और भी नहीं। देखो थ्री एन है क्या? नहीं है। एन में प्लस टू करो कितना बन जाएगा? थ्री क्यू प्लस फोर, वो भी नहीं होगा, सिर्फ एन प्लस वन इस केस में होगा। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा था कि सिर्फ तीनों में से एक ही थ्री से डिविजिबल होगा, तो हमने वन बाई वन तीनों केस चेक किया और तीनों केस में सिर्फ एक ही थ्री से डिविजिबल हो रहा था। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि हेंस वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस वन एंड एन प्लस टू इज डिविजिबल बाई थ्री, तीनों में से सिर्फ एक ही थ्री से डिविजिबल है तीनों अलग अलग केस में। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ n is odd integer then show that n square minus 1 is divisible by 8। अब तो सब क्लियर हो गया कि कहां पर डिवाइजर क्या होगा, कहां पर डिविडेंड क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि 8 से डिविजिबल, दैट मीन्स 8 क्या होगा? हमारा डिवाइजर होगा। अच्छा कौन हमारा इंटीजर होगा, कौन हमारा डिविडेंड होगा? तो यहां पर देखो बात हो रहा है कि n is an odd integer जो कि n square minus 1 डिवाइड हो रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं दैट लेट n बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट n बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर अगर n है तो वहां पर कुछ क्वेश्चन आएगा, q इज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर होगा r, एंड r इज रिमाइंडर, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं सीधा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू, हमने क्या लिया है डिविडेंड n, n इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है यहां पर? 8 इंटू क्वेश्चन q प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। अब देखो इसमें कहा था कि इफ n इज ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 8 से मेरा डिविजिबल होगा। मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ठीक है, अगर मैंने n को ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा पूरे को? अगर r इक्वल टू लोगे कि 0 से लेकर 7 तक, मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। क्यों ना एक काम करते हैं हम लोग, ये हो गया ना, एक बात समझो ऐसे, अगर मैंने मान लिया कि n एक इंटीजर है, लेट्स से अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये बताओ कि वो ऑड कैसे बन सकता है? अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको ऑड कैसे लिख सकते हैं हम लोग? या तो लिख सकते हैं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, या तो हम लिख सकते हैं 2q प्लस 1, ये हमेशा ऑड होगा, या तो हम लिख सकते हैं 4q प्लस 1, ये भी हमेशा ऑड होगा, ये भी ऑड होगा और ये भी ऑड होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं, r इक्वल टू 0 से लेकर 7 तक भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? ऑड इंटीजर है, तो ऑड इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू q प्लस 1, ये भी ऑड बना रहा है, और 4q प्लस 1, ये भी हमारा ऑड बनाएगा, इससे ऑड नंबर ही निकलेगा मेरे पास, ठीक है। अब बात है कि इन दोनों में से कौन सा लिया जाए। जब कोई नंबर 8 डिविजिबल होता है तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, तो इसमें कौन सा लिया जाए? अब कुछ आपको कहेगा कि सर 2 ले ले, ज़्यादा आसान है, 4 लेने से बढ़िया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि मेरे क्वेश्चन में क्या कहा है। मेरे क्वेश्चन में कहा था एन स्क्वायर माइनस 1, जब एन स्क्वायर करोगे तो इसका तो आएगा 4q स्क्वायर, दैट मीन्स 4 आएगा, इसका क्या आएगा?
इसका आएगा 16। अब ये बताओ कि जब हमें 8 कॉमन निकालना होगा, मतलब डिवाइड दिखाना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है, तो जब इसका इसका 4 आया, इसका 16 आया, इन दोनों में से 8 कॉमन किस में निकल सकता है? 4 में तो 8 कॉमन निकलेगा नहीं, ठीक है। 16 अगर इसका स्क्वायर करोगे n स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर से मेरा 16 में से 8 कॉमन निकल सकता है। तो हम ये कहेंगे कि 4q+1 को हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 8, मतलब 8 की जगह पर हम 4 यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैंने बोला कि n be an any odd positive integer, तो यहाँ देखो मैं सिंपल से कह दे रहा हूँ कि n be any positive integer, n जो है कोई भी एक इंटीजर है। अब अगर n कोई इंटीजर है, यहाँ क्या बोल रहा है, odd integer, तो odd integer कैसे बनेगा, या तो 2q+1 या तो 4q+1। 2q+1 क्यों नहीं होगा, मैंने क्लियर कर दिया कि 2 के स्क्वायर करने पर 4 है, वहाँ से 8 कॉमन नहीं निकलेगा, ताकि मेरा 8 डिविडेंड बन जाए। हाँ, लेकिन 4q करने पर, 4 का स्क्वायर करने पर मेरा 16 आता है, जहाँ से 8 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से कह सकते हैं हम बात ये कि लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये मैंने लिखा इसलिए था क्योंकि तुम लोगों को समझ में आया कि मैं आगे चेंज क्यों करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अज्यूम करते हैं मेरा क्वेश्चन q है, q इज quotient and r is remainder, जो मेरा लिखा हुआ था उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, using Euclid's division lemma, क्या बोलता है इसके हिसाब से कि जो मेरा n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4q+r होगी, जिसमें r की वैल्यू क्या होगी, That means r equal to 0, 1, 2 and 3. ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो, इसने बोला था कि क्वेश्चन में कि ये ऑड इंटीजर होना चाहिए, अगर हम r 0 पुट करेंगे तो 4 कभी ऑड बनेगा, नहीं बनेगा। r equal to 1 पुट करो, 4q+1, ये ऑड बनेगा। तो मेरा पहला केस नंबर 1, जब हमने r equal to 1 लिया, when r equal to 1, तो ये क्या बन जाएगा, n is equal to 4q+1। n 0 पुट करने पर ये ऑड नहीं बन रहा है, इसलिए हमने 0 को छोड़ दिया, 1 को लिया, तो 4q+1 हमेशा ऑड बनेगा, 4 into q even plus 1 odd, ठीक है। अब देखो, ध्यान दो, n is equal to 4q+1 आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा है, n square minus 1, n तो सिंपल ये था ना, क्वेश्चन में क्या करना है, n का स्क्वायर माइनस 1, जो n था क्या कर देंगे उसको, n स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि n को हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 कर देंगे, क्या होगा, n कितना था 4q+1, तो n का स्क्वायर और माइनस 1, क्या होगा, इसको ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1, ये कितना आएगा, 16q² + 1 तो कैंसिल हो गया, प्लस 8q, यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 2q² + q। अब बताओ कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, है तो अब ये अगर नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो n² - 1 जिसका फॉर्म था वो भी होगा या नहीं होगा, वो भी होगा। तो यह हम कह सकते हैं कि इस केस में n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारा केस नंबर 1 था, जब हमने r इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। अब देखो, r इक्वल टू 2 पुट करो, तो 4 into q इवन नंबर प्लस 2 इवन नंबर, इवन नंबर आएगा तो n मेरा ऑड तो हुआ नहीं, तो काम करते हैं r इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, n केस नंबर 2 when r equal to 3, क्या बनेगा, n is equal to 4q+3, 2 पुट करने पर इवन बन रहा है, 3 पुट करने पर 4q+3 ये ऑड बन जाएगा, जो हमें ऑड चाहिए था, तो ऑड बन गया। अब देखो क्या था, n square minus 1, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे,
एन स्क्वायर माइनस वन, ये पूरे एन का स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा, फोर क्यू प्लस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस, ये क्या बन गया एन का स्क्वायर माइनस वन। इसको ओपन करते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर फोर क्यू स्क्वायर प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फोर क्यू माइनस वन। आगे कितना होगा ये, सिक्सटीन क्यू स्क्वायर प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी फोर क्यू माइनस वन, ये कितना हो गया 16 क्यू स्क्वायर, 9 माइनस वन 8 को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 24 क्यू प्लस 9 माइनस वन 8, इस तीनों में से मेरा 8 कॉमन निकल जाएगा, क्या होगा 8 कॉमन लेते हैं क्या होगा 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो एन स्क्वायर माइनस वन में क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। तो सेकंड केस जब हमने रिमाइंडर इक्वल टू 3 लिया था तो वहां पर भी एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 8 हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहां पे चार केस था, 0 पुट किया वो अपने आप खत्म क्योंकि वो ऑड बन ही नहीं रहा था, 1 पुट किया ऑड बना तो हमने चेक किया एन स्क्वायर माइनस वन को, देखा हमने कि वो 8 से डिविजिबल है। केस थर्ड, केस नंबर थर्ड में r इक्वल टू जब 2 लिया हमने तो 4q प्लस 2 इवन बन रहा है तो उसको छोड़ दिया मैंने, r इक्वल टू 3 लिया 4q प्लस 3 ऑड नंबर बना, जब हमारा ऑड बना तब मैंने बोला कि हाँ सही है, अब ऑड वाले को हम चेक करते हैं n स्क्वायर माइनस 1 से, तो n स्क्वायर माइनस 1 जब किया तो मेरा फॉर्म क्या बन गया 8 से डिविजिबल वाला। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 3 पर है उस केस में n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल हो रहा है ऑड वाले केस में, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा जितना भी क्वेश्चन हमने किया वो सारा क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेसिस पे था, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, सारे मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिया है, सबको रिवाइज कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि उसमें कंपोजिट नंबर क्या होता है प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो ये इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बढ़िया से क्वेश्चन देख लेना और जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ लेना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो एट लास्ट अगर ये लेक्चर अच्छा लगा आप सबको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टिक द बेल बटन ऑफ आवर चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर, ओके।